हर सीन के लिए, हर फिल्म के लिए, हर शॉट के लिए मेकअप एक बहुत बड़ा हिस्सा है. और इनफैक्ट राजेश दादा मुझे जानते हैं जब से मैं 17 साल की थी, और मैंने ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिन्होंने मेरे फेस को छुआ था. और मुझे समझ में आया कि अच्छा वो ऐसे मेकअप भी होता है और ऐसा मेकअप भी करते हैं. तो मैं बहुत सालों से इनको जानती हूँ और इनके इनका काम देखती आई हूँ, और हमने काफ़ी फिल्में भी एक साथ की हैं. तो मेकअप बहुत ही बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे प्रोफेशन का. आई डोंट थिंक सो. देखिए मेकअप एक बहुत सुपरफिशियल चीज़ होती है जो थिएटर के लिए, फिल्म्स के लिए ज़रूरी होता है. रियल लाइफ में नॉट रियली दैट इम्पॉर्टेंट. यू नो जब तैयार हो रहे हैं, आपकी शादी हो रही है, आप यू नो ब्राइड बनी हैं, तब के लिए ज़रूरी होता है. बट दैट डजंट मीन कि आप मेकअप थोप के अपने यू नो डे टू डे लाइफ को यूज़ करें. सेम वे डाइट, नॉट नेसेसरी. मैं कभी नहीं कहती कि खाना बंद करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए. हम हेल्दी खाना चाहिए डेफिनेटली. इन लॉट्स ऑफ लीव्स, वेजिटेबल्स, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं. सो आई थिंक इट हैज़ टू बी डन द राइट वे. यू कांट बी सुपरफिशियल. उनको बहुत ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है. जितना लाइट हो सके उतना मेकअप अच्छा लगता है. नेचुरल मेकअप बहुत उनके ऊपर सूट होता है. और हमेशा वो मतलब ये करते हैं कि लाइट मेकअप होना चाहिए, ज़्यादा हेवी मत करो. ज़्यादा हेवी मुझसे हैंडल नहीं होता. और आई थिंक लाइट मेकअप सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. ये नेचुरल बात है. टेक्नीशियंस को कभी भी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जितने चेहरे को मिलती है. वो आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, चाहे आप एड्स करें, चाहे मॉडल हों, चाहे आप एक्टर हों. तो लेकिन उनके बिना हम कुछ नहीं होते हैं. And that is something that we all know. लेकिन आई मीन इफ़ यू बिकम अ टेक्नीशियन, अगर आप टेक्नीशियन बन रहे हैं, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि अच्छा आपको उस तरह का फेम और रिकग्निशन मिलेगा कम्पेयर टू द फेस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. वो सब जानते हैं. लेकिन एज अ फेस इन द कैमरा मैं कुछ नहीं होती अगर मेरी टीम मेरे साथ नहीं होती. आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू एनी थिंग दैट आई डू. देखिए मैंने सिर्फ अभी तक दो फिल्में साइन की हैं, विच इज़ डॉन 2 एंड अनुराग बासु साइलेंस विद रणवीर. और बाकी सारी फिल्मों की बातचीत चल रही है. जैसी साइन होती है मैं आई कैन मेक एन अनाउंसमेंट. थैंक यू.